ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी स्थित अल्कोहल फैक्ट्री रायरू पर देर रात हुए हादसे में एक मजदूर की जेसीबी की चपेट में आकर मौत हो गई, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर मृतक के शव को रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके साथ ही फैक्ट्री संचालक भी मौके पर पहुंचे और मृतक सुल्तान बघेल के एक परिजन को फैक्ट्री में नौकरी देने, मृतक के आश्रितों को 15 लाख की FD और मृतक की पत्नी को पेंशन देने की घोषणा। मेरा भाई था छोटा सुल्तान बघेल, फैक्ट्री में काम करता था, रात को काम कर रहा था तो जेसीबी से लापरवाही उसके ऊपर जेसीबी चढ़ा दी लापरवाही से। किसने चढ़ाई? ड्राइवर वर्कर था एक, कोई सिर्फ सीन से कोई बजा रही बजा, हमें कुछ पता नहीं है रात को से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी वो हमें बहुत ज़्यादा इंसाफ चाहिए था इनसे। तो MD भाई से बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बोला है मुआवजा देने की, उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपये देंगे और इनकी पेंशन देंगे इनकी वाइफ को और एक नौकरी देंगे इनके भाई को। कौन सी फैक्ट्री है ये? फैक्ट्री दारू वाली फैक्ट्री है रायरू की, बिस्लरी। कितने बजे की घटना है ये? रात को 1:30-2 बजे की घटना है। उम्र कितनी हुई सुल्तान की? उम्र 35 वर्ष थी। कौन कौन है इसके परिवार? इनके 2-3 भाई हैं और 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं। कहाँ से काम करने आते थे? राम प्रसाद के पुरा से आते थे, अपना पेट राम प्रसाद का पुरा यहाँ से दुगनावली पंचायत है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और जेसीबी का काम चल रहा था, फैक्ट्री में अंदर काम चलता है, जो भी उनका काम था लापरवाही की वजह से हुआ है। अब जिन्होंने बोला है कि हम देंगे राशि, देखो आगे अपनी मांगों की पूरे करें, और मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर मजदूर काम करने जाता है तो फैक्ट्री वालों को अंदर ख्याल रखना चाहिए यार, वो अपने परिवार को पालने के लिए आ रहा है, आप उसकी जान से खेल रहे हैं। पहले भी इस फैक्ट्री में कई घटनाएं हो चुकी हैं, पहले भी 1-2 बार ऐसे कांड हो चुके हैं। अब ये फैक्ट्री वाले ध्यान दें अपनी फैक्ट्री पर, क्या गलतियाँ हो रही हैं इनमें। मेरे हिसाब से तो जो जेसीबी चला रहा था उसकी गलती है और सुपरवाइजर मैनेजर की गलती है। हुआ क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? इसमें जो अपनी अल्कोहल फैक्ट्री है रायरू पर, इसमें रात में करीबन 1-1.5 बजे के आसपास में जेसीबी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उस पे से अपने द्वारा मर्ग कायम करके कार्रवाई की जा रही है। फिर मृतक के परिजनों द्वारा जो है वो यहाँ पर आकर बॉडी लाकर यहाँ पर इनसे जो डिस्टलरी के संचालक हैं GM हैं उनसे चर्चा की और उनके द्वारा जो है घेराव भी हुआ था? नहीं, घेराव वगैरह कुछ नहीं हुआ। किस तरह की मांगे थी? हाँ, उनकी जो मांग थी उसमें 15 लाख रुपए इन्होंने जो है FD के कर दिए हैं परिवारजनों के लिए, एक उसके भाई की नौकरी दी जाएगी और बाकी जो तनख्वाह है वो उसकी पत्नी को, जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक उसको तनख्वाह दी जाएगी। ये जिनकी मांगे थी वो उनको मान ली गई, उनको लिखित में दे दिया गया। बताया गया इसमें कई पहले भी इस तरह की लापरवाही कर मौतें हुई हैं? अब ऐसा हो सकता है, मेरे टाइम पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहली बार घटना है जी मेरे साथ।